नमस्कार। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। सीमा सुरक्षा बल ने तरन तारण और अमृतसर जिले में 7 किलो तो वध हैरोइन की बरामद। मौसम विभाग ने आने 24 घंटे दौरान कई जिले में मीह गड़ेमारी तेज हवाव चलन की दी चेतावनी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कर्नाटक के दौरे ते चिकबलपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एम विश्वेश्वरैया की समाधि ते श्रद्धांजलि भेंट की। उन्हां दी याद विच बने अजायब घर नूं देखिया। ये अजायब घर एम विश्वेश्वरैया दे घर विच बनाया गया है। एम विश्वेश्वरैया दा मैसूर दे इतिहास विच विशेष योगदान रहा है। बाद विच प्रधानमंत्री मोदी ने श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज अते रिसर्च का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका प्रयास की भावना विकसित राष्ट्र के सुपने नूं पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि देश विच मैडिकल कॉलेजों की गिणती 600 तो वध गई है अते पिछले 9 सालों विच मैडिकल सीटों की गिणती भी तकरीबन दुगनी हो गई है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक नवी मैट्रो लाइन का नींह पत्थर भी रखा। मैट्रो की व्हाइटफील्ड के आरपुरम लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक रोड शो भी किया। देवनगरी में विजय संकल्प यात्रा के समाप्ति समागम में शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के अमृतसर दौरे पर आए। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारतीय जनता पार्टी के आगुआ ने उन्हों का स्वागत किया। हवाई अड्डे तो राजनाथ सिंह सीधे डेरा राधा स्वामी ब्यास गए। डेरा ब्यास का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पहला दौरा रहा। उन्हें डेरा ब्यास मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाल मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद मैंबरशिप रद्द होने तो बाद राजनीति भक गई है। केंद्रीय मंत्री ते भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेतावां वल्लों राहुल गांधी खिलाफ साजिश रचण का दोष लगाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस नेतावां ने साजिश रची क्योंकि कांग्रेस के वकील 24 घंटों बाद भी सज़ा के खिलाफ अपील लई उपरली अदालत विच नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि अजिहा लगता है कि कांग्रेस के कुछ लोग राहुल गांधी तो छुटकारा पाना चाहते ने। पंजाब विच इस साल नरमे हेठ रकबा 3 लाख हैक्टर तो वधन की आस है।
खेतीबाड़ी ते किसान भलाई महकमे दे डायरैक्टर डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने यह जानकारी दिंदिया दस्या कि सूबे दी नरमा पट्टी विच नरमे दी बिजाई नूं ध्यान विच रखदिआं नहरी पाणी 1 अप्रैल तो छड्डिया जा रहा है। पंजाब सरकार बीटी नरमे दीआं सिफारिश शुदा किस्मां दा बीज सबसिडी ते मुहैया कराएगी। डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने कहा कि किसान खेतीबाड़ी मशीनरी पोर्टल ते इस संबंधी अपना बिने पत्र अज तो जमा करवा सकते ने। नियमां मुताबक हर किसान नूं 5 एकड़ दा बीज सबसिडी ते मिलेगा अते सबसिडी दी रकम लाभपात्री किसानां दे बैंक खात्यां विच भेजी जाएगी। उन्हां किसानां नूं पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दीआं सिफारशां मुताबक उपराले करके नरमे हेठ रकबा वधाउण दी सलाह दित्ती है। अमृतसर विच बीते दिनी आयोजित G20 दे सिक्ख्या संबंधी कार्य समूह की मीटिंग की लड़ी विच खालसा कॉलेज अमृतसर विखे एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। IIT रोपड़ वालों आयोजित इस प्रदर्शनी विच 90 तो वध स्टार्टअप्स दिखाए गए। मेरठ के गंगाराम चौहान ने भी अपनी साइकिल आटा चक्की नू इस प्रदर्शनी विच दिखाया। एक रिपोर्ट। G20 संबंधी अमृतसर के खालसा कॉलेज में बीते दिन लगाई गई मल्टीमीडिया प्रदर्शनी विच ए साइकिल चक्की आम लोगों की खिच का केंद्र रही। भारत सरकार की स्टार्टअप्स नूं उत्साहित करने की योजना तहत मेरठ फाउंडेशन के गंगाराम चौहान ने यह चक्की तैयार की है। अपने इस नवाचार नूं लैके गंगाराम चौहान बेहद उत्साहित ने और भारत सरकार के स्टार्टअप में आए हैं और इसको आप लोगों को दिखलाने के लिए लाए हैं जनता को, ताकि इसको चलाने से विश्वास रहेंगे, इसकी जो पौष्टिकता है वह बरकरार रहेगी, जिसके लिए हम भोजन करते हैं, इसीलिए हमने इसको बनाया। लोकल फॉर वोकल शब्द जो है ऐसे ही बना कि जो भारत के ही निवासी नवाचार करें, इनोवेशन करें, उन्हीं का प्रोडक्ट भारत में उपयोग हो और जो राजस्व की बचत होगी उसी राजस्व से देश चलेगा। ये चक्की वेखण वाले भी इस तो काफी उत्साह दिखे। ये बहुत वधिया चीज आ, ये जिंदगी अपना शरीर का विकास करती है, नाले अपन आटा भी दिंदी है, जिंदगी आप फिट भी रहेंगे, तो चीज़ की भी कोई लोड़ नहीं पवेगी, घर बहुत वधिया चीज़ आ जाएगी अपने, ये अपन दूरों कदे अपन चक्की से जाना नहीं पवेगा आटा पिसाउण दे। यकीनन ये चक्की जिथे घर में ही आटा पीसण की सहूलत उपलब्ध करवाउंदी है, नाल ही कसरत भी करवा दिंदी है। अजोके समय में जदों जिंदगी की दौड़ बेहद वध गई है, ये साइकिल चक्की एक पंथ दो काज की कहावत से पूरी तरह ढुकवी उतरती है। कैमरामैन फकीर चंद ते RP सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद ते तरन तारण जिले विच खालड़ा पुलिस थाने तहत वान तारा सिंह पिंड नेड़े अज सवेरे हैरोइन दे 7 पैकेट फड़े ने। बल दे कमांडेंट SN गोस्वामी ने दस्या कि 5 पैकेट खेतां विच भारत वाले पासे पए हुए सन अते मगरों छानबीन ते 2 होर पैकेट खेतां विचों बरामद कीते गए। उन्हां कहा कि इन्हां पैकेटां दा वजन तकरीबन 7 किलो 20 ग्राम है। कौमांतरी बाजार विच इस हैरोइन की कीमत 7 करोड़ रुपए तो वध है। इस दौरान अमृतसर जिले विच अटारी लागे पिंड परोपाल तो BSF ने 800 ग्राम हैरोइन फड़ी है। इसनूं चाह की केतली विच लुका के रख्या गया सी। फाजिलका जिले के अबोहर इलाके विच पिंड बकैन वाला विखे कल दोपहर वेले अचानक आए चक्रवाती तूफान मगरों जिला प्रशासन ने पीड़ितों की मदद लई 2 कमेटियां बनाईयां ने। एक कमेटी पीड़ित परिवारों की सूची तैयार करके उन्होंने घरों नूं होए नुकसान की जानकारी इकट्ठी करेगी, जबकि दूजी कमेटी फसलों नूं होए नुकसान बारे जानकारी लवेगी। डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल ने दोहां कमेटियां नूं छेती तो छेती अपनी रिपोर्ट देण लई आख्या है, तां जो पीड़ितां लई मुआवजा रकम जारी कीती जा सके। साढ़े देश विच इस तरह के कई विलक्षण व्यक्ति ने जिहड़े अपने कम्मां नाल देश विच हां पक्षी बदला लिया रहे ने। उन्हां दा अपनियां जड़ां नाल जुड़ा, अपने सभ्याचार नाल लगा अते इसनूं आउण वालियां पीढ़ियां लई सुरक्षित करन दे यतन बेहद शलाघायोग ने। इसे लई ओह साडे पदम कहाउंदे ने, क्योंकि समां बदल चुका है अते हुण आम लोकां दे बेमिसाल कम्मां नूं वी पछाण मिल रही है अते देश नूं मिल रहे ने साडे पदम। इन्हां विच्चों इक ने नीहो नीओ सोरहीए। नागालैंड दी कोहिमा दी प्रसिद्ध बुनकर कारीगर ने नोहिनियो सुरहिये जिहड़े दी नागालैंड्स मास्टर वीवर
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਅੰਗਾਮੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਨੋਹਿਨੀਓ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬੁਣਾਈ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਣਾਈ ਨਾਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। My first to Ama Yeman, thank you, Ama to nothing in the way of Yeman, but coming by the Shekulibi, what do not Aromala and Tigaman, Kusiman, thank you, everybody. Aro, it's already Kiman, be my Gimoram now. Aro, go on and of India, the Kiman, be Mandy Gimoram Grida, my two Abita Gay. Kitamanade, they want. Kit your facility, PCD. अपनी सभ्याचारक विभिन्नता लई मशहूर नागालैंड च बुनाई शुरू तो ही काफी प्रचलित रही है। हरेक नाग महिला तो उम्मीद की जाती है कि उस नूं कताई अते बुनाई की जानकारी होवे। मामा तो कपड़ों बने थे क्या? तो मैं ये सुता मेरा वो दस स्टार्ट हो गया ना 4 years निस्ना मरा स्टार्ट करे आसु विषय। तो पिछले मान छोटो बेल बना हुए इकाई जैसे। मैं लगा बाप ना तो इतिहास तो लोप साल विषय। नगा मनु तो मैं की कंबी मोटा कंबी पैदा मैं कन forefathers कान traditional naga kapur banakan aromata kan bi parua banakan kiki legs with itu kan bi iman so makan do mana ki depend na kure do kunishe aroma kan bi dikhi tege lebi itia top tu chukra hobi chukri hobi ku monde ne itu kan banabo janile ku na janila tende ni kan banaye मगर नारों तो ही जानी ले बोला नहीं इसना forefathers का ना कुन जाने के ना जुगे दे दाहे के ना इतु काम बना बोले हिकीशी ना कि आज कल इतु काम तो हिकी ले भी काम ना है ले भी इतु काम जाने को ले भी सोरम इतना नहीं इसना ना निगा बाबिया नहीं इसना मिशे इतु काम मुझे तो बाबी से क्या रे इतु क्यों हो भी नंगोर आईएस को भी बोली भी बताऊँ ट्रेडिशनल लगा तो किने का बना वो इधर तो सो जानी था क्यों बोला गया नी हुनियो सॉरी को मुबारक। ये जो हैंडलूम का काम आगे बढ़ा रही हैं ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो वहाँ की ट्रेडिशन है जो विमेन काफ़ी सालों से मेरा ख्याल है सेंचुरी से करती आई हैं वो ऐसे ऐसे मशीन के बनते हुए फैब्रिक्स की वजह से ख़त्म होती जा रही थी। और ये एक तो अपनी इनकम बढ़ाती है लेडीज़ की और उनके जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स वो पहनती हैं वो भी आगे ही चढ़ते जाएंगे या ये ट्रेडिशन लगी रहेगी। मेरा ख्याल है ये नैरो लूम्स पे ये काम होता है और ये नैरो जो लूम्स हैं वो इंडिया में खास करके कमती होती जा रही है और इसका अपना जो खासियत है उसके अपने डिज़ाइंस हैं वो जो मैट्रिक्स जो बनाती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जिसको आता है वो अपनी नॉलेज आगे भी दे और बढ़ाए। इनको बहुत बहुत मुबारक ये पद्मश्री के लिए। समय के नाल खत्म हो रही इस विरासती बुनाई कला नु सहेज के नौजवानों नु ट्रेंड कर रही ने नुहिनियों सुरहिये अते उन्हां दीआं इन्हां कोशिशां लई उन्हां नु पद्मश्री पुरस्कार नाल नवाजिया जा रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 49 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 46.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਏ। ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਏ।
वख-वख ज़िलों विच खेतों विच फसलों विच गईयां ने। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटिया दौरान फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला अते मानसा ज़िलों नूं छड्ड के होरना ज़िलों विच गरज चमक नाल छिट्टे पैण अते गड़ेमारी की चेतावनी दिंदिया यैलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 तों 50 किलोमीटर की रफ्तार नाल तेज़ हवावां चलण की चेतावनी भी दिती गई है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां एक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार पिछले 9 सालां विच मैडिकल कालजां दी गिणती अते मैडिकल सीटां दी गिणती विच होया ए भारी वाधा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेरा राधा स्वामी ब्यास के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाल कीती मुलाकात। सीमा सुरक्षा बल ने तरन तारण अते अमृतसर जिलों विच 7 किलो तो वध हैरोइन कीती बरामद। मौसम विभाग ने आउंदे 24 घंटिया दौरान कई जिलों में मीह, गड़ेमारी ते तेज़ हवावां चलण की दित्ती चेतावनी। ते इस दे नाल ही खबरां दा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।